बॉलीवुड फिल्म घातक 8 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी द्वारा किया गया था। फिल्म के प्रोड्यूसर भी राजकुमार संतोषी ही थे। इस फिल्म में सनी देओल, मीनाक्षी सेसादरी, डैनी व अमरीश पुरी मुख्य किरदार में नजर आए थे। आज हम आपको इस वीडियो में घातक फिल्म से जुड़ी 5 मजेदार बातें बताएंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं या तो जानते ही नहीं होंगे। नंबर 1, घातक फिल्म का बजट 6 करोड़ 25 लाख रुपए था। ये फिल्म 220 स्क्रीन पर ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में 26 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 26 करोड़ 57 लाख रुपए की कमाई की थी। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 220 स्क्रीन पर रिलीज होकर भी फिल्म ने 26 करोड़ का कलेक्शन किया था और सनी देओल का स्टारडम कितना ज़्यादा था। नंबर 2, फिल्म के निर्माता ने यह फिल्म कमल हसन के लिए लिखी थी। यहां तक कि फिल्म के एडवर्टाइजमेंट में भी कमल हसन के चित्रों को दिखाया गया था, लेकिन सनी देओल की पिछली फिल्म घायल एक बड़ी हिट थी। इसी कारण राजकुमार संतोषी ने सनी देओल को फिल्म में लिया। नंबर 3, मीनाक्षी सेसादरी इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस थी, लेकिन फिल्म निर्माता ने सबसे पहले रवीना टंडन को लीड एक्ट्रेस के तौर पर चुना था। रवीना टंडन ने तकरीबन 10 दिन तक इस फिल्म की शूटिंग भी की थी, लेकिन किसी कारणों से इस फिल्म में वह काम नहीं कर पाई। वैसे क्या घातक फिल्म में रवीना टंडन मीनाक्षी सेसादरी से अच्छी एक्टिंग कर सकती थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4, इस फिल्म को बनाने में 5 वर्ष का समय लगा था, क्योंकि राजकुमार संतोषी अंदाज अपना अपना वे बरसात की शूटिंग में व्यस्त थे। नंबर 5, यह मीनाक्षी सेसादरी के करियर की अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के बाद मीनाक्षी सेसादरी ने बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।